सभी को मेरा नमस्कार। मैं सनोज कुमार, भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष मंडी धनोरा। मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूं। मैंने एक जमीन ली थी सलेमपुर गोसाई में। सलेमपुर गोसाई में मैंने जो जमीन ली है वो ये है, ताऊ महेंद्र सिंह, मैंने इनसे जमीन ली। और जो वो उधर के जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो अलग हैं, वो विधायक जी के जो साथ में रहते हैं उनके माननीय विधायक जी के जो साथ में रहते हैं उन्होंने जो कब्जा कर रखा है उस जमीन पर, उन्होंने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। माननीय विधायक जी ने कल मुझे भूमाफिया कहा। सर, भूमाफिया होता क्या है पहले तो मुझे ये बताइए, भूमाफिया होता कौन है? भूमाफिया, मैं माननीय योगी जी से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भूमाफिया की परिभाषा क्या होती है ये माननीय विधायक जी से पूछी जाए। मैंने जिस व्यक्ति की जमीन ली है उसकी ही जमीन पर मेरी ही उनसे लेने के बाद मेरे नाम पर जो है जमीन आई और मेरा ही जो है कब्जा नहीं हो रहा, तो मैं भूमाफिया हुआ या भूमाफिया वो हुए जिन्होंने जो है जमीन खरीदी, जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा वो भूमाफिया हुए? आज तक पूरे जेपी नगर के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि सनोज ने एक भी बीघा जमीन या एक विसा जमीन पे किसी पे कोई कब्जा कर रखा हो तो जो मुझे दंड मिलना चाहिए उसे मैं अपने दंड के लिए स्वीकार करता हूँ। नहीं, आप तो बहुत विधायक जी के करीब। हाँ, वो मैं बताऊँ, मैं छह साल से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैंने होश संभाला तभी से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन 6 साल से मैं माननीय विधायक जी के साथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। विधायक जी अगर मुझे ये कहते कि मैं भूमाफिया के साथ नहीं रहता और वो नहीं करता तो 6 साल से वो मेरे से कंधा कंधा मिलाकर क्यों चल रहे थे और मेरे मकान में उन्होंने 1 साल तक ऑफिस बना करके क्यों कार्यवाही वो कार्यकर्ताओं की और सबकी मीटिंग हुई? जो भी संगठन हमें कार्यवाही वो करता है हम उसकी जो है काम करते हैं, जो संगठन हमें दायित्व देता है उसी दायित्व से हम जो है काम करते हैं। लेकिन माननीय विधायक जी मुझे किस लहजे से वो कर रहे हैं भूमाफिया घोषित, मैं मुझे एक चीज बता दे कि उसमें मैंने विधायक जी का तन मन धन सब चीज से वो करा। उन्होंने कई 100 आदमी आने, मैंने 150 आदमी ले जाके उन्हें जहां भी कोई रैली हुई या कोई भी पंचायत उसमें ले जाके मैंने उन्हें दिया। वो कहते हैं मैं सनोज के साथ नहीं हूँ। सनोज के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सनोज जो है जाट है, इसलिए जाट बिरादरी के होते हुए वो मेरे नहीं है। 6.5 साल तक कोई वो नहीं थी, मेरा आज तक कोई काम नहीं पड़ा। जाट बिरादरी के होने के नाते वो जो है मेरे नहीं, उसमें वो हो रहे हैं। आपने आरोप लगाया डीएम साहब से, हाँ, ये बात में वार्ता की है तो डीएम साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है जो भी पक्ष सही है हम उसका साथ देंगे कि तुम्हारे कागज सही है और तुम्हारा पक्ष सही है, क्योंकि मेरे साथ में जमीन बेचने वाले हैं ये ताऊ खड़े हैं महेंद्र सिंह, मैंने इनसे जमीन खरीदी है ना कि इनके भतीजों से जमीन खरीदी है जो एक्स पार्टी बन के उस जमीन पे वो लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। विधायक जी ने कल एक कहा है बात कि आप जो है किसान यूनियन का सहारा ले रहे हैं, उसका भी मैं बताऊंगा। मैं ऐसा हुआ, मैं सारी जितनी भी हमारी वो है बीजेपी की जो मंडल की जो टीम है मैं सब टीम से मैंने बोला, जिले पे भी मैंने बोला और सब लोगों से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के सबके साथ में गया, लेकिन किसी ने भी जो है यो नहीं कहा, बोले कि हम चलेंगे। वो कहते थे मेरे से, यार हम ऑब्जेक्शन उठा देंगे तू सही है क्योंकि तूने जमीन जो खरीदी है वो ताऊ से खरीदी है, उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन माननीय विधायक जी के लिए बोले अगर हम कुछ कहते तो माननीय विधायक जी योगी जी से हमारी शिकायत कर जाते हैं, तो मैंने कहा जो जायज बात है उसे आप जो है रखिए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए या किसी और को गलत हो तो उसमें वो चाहिए, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप दोनों पक्षों को बैठा लो, बैठाने के बाद में चाहे वो कोई सा भी वो हो और उसमें बैठ के यार मेरी समाधान कर दिया जाए। बुलडोजर की कार्रवाई जो उन्होंने जो करने की बात कही, अगर मैं कहीं अवैध रूप से अगर मैंने कहीं कब्जा किया हो तो उसमें जो है वो बुलडोजर चलवा दें, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ठाए के जेल में बंद कर दें। आज तक अगर मेरी उम्र हो गई 40-42 साल की मेरी उम्र है, अगर कहीं भी पुलिस प्रशासन में या कहीं भी अगर मेरे नाम पर कोई FIR हो या मेरे भाई के नाम पर कोई FIR हो तो वो उठाएं और वो कर ले, लेकिन अगर आज के बाद अगर मेरे नाम पर कोई FIR या कोई भी कोई केस लगाया जाता है क्योंकि मुझे धमकी दी जाती है SC Act लगाने की, बलात्कार लगाने की, उसके साथ में गोली मार के मुझे फंसाने की, इसलिए मैं उस जमीन पर आज तक नहीं गया। मैं अगर जबरदस्ती उस जमीन पर जाता तो उसमें वहां पंगा हो सकता था, इसलिए मैं तो सभी न्यायालय के पास में भी और जिलाधिकारी जी के पास में भी SDM साहब के पास में भी अपना पक्ष लेके पहुंचा कि अगर कहीं मेरी गलती है तो आप मुझे जो है दंड दिया जाए, अगर नहीं है तो मेरी जमीन पर मुझे काबिज किया जाए, वरना कल को अगर कोई बवाल हो जाएगा तो उसमें मुझे जो है हानि होगी, इसलिए मैं उसमें नहीं गया। बुलडोजर वहां चलेगा जहां उसकी वो होगी, अगर कोई जो कब्जा करेगा उस पर होगा। मैंने आज तक किसी की जमीन पर अगर कब्जा करा हो तो पूरे क्षेत्र धनोरा विधानसभा भी है और पूरा जिला अमरोहा है, अगर किसी भी कोई ये कह दे कि सनोज ने किसी की जमीन पर एक बिसा भी या एक बीघा भी
जमीन पे कब्जा कर रखा हो, तो जो सजा जो सरकार देना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी जो है परेशान हैं, वो भी घबराए हुए हैं, क्योंकि बार बार हम लोगों को धमकियाँ आती हैं कि हम तुम्हें मरवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम एससी एक्ट लगवा देंगे, हम तुम्हारे ऊपर बलात्कार के केस लगवा देंगे। तो घर वाले इसलिए वो परेशान हैं, वो भी ये चाहते हैं, बोले भैया अगर कहीं भी बैठ के अगर तेरी इस चीज़ का निस्तारण होता हो, चाहे विधायक जी करवाएँ या वो करवाएँ। किसान यूनियन वाले हों, मैं किसान यूनियन के उसमें इसलिए गया, जब मेरी वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो मन किया चलो किसान यूनियन का ही साथ पकड़ूं, क्योंकि किसान हूँ तो किसान के साथ में मुझे पकड़ना पड़ेगा। वो क्या पता दोनों बैठा है कि हमारा जो है मामला निपट जाए। मैं मामले को निपटाना चाहता हूँ, ना कि मामले को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर विधायक जी इस ज़मीन को लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो मेरा पैसा गया हुआ है, जो मैंने वाजिब मूल्य इन्हें दे के ज़मीन खरीदी है, अगर उन्हें अच्छी लग रही है ये ज़मीन तो वो आप ले सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं भरी मीडिया के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, विधायक जी से भी और पूरे क्षेत्र की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने ज़मीन खरीदी इसमें कुछ नहीं। वो ये कहते हैं कि ज़मीन जब खरीदी बोले इसमें तो इसे बहुत पैसे बचेंगे। अरे मैं पैसे बचाने के लिए मैंने ज़मीन नहीं खरीदी, मैंने तो ये था मैं नौकरी करता हूँ 17 साल से दूध के अंदर। मेरे साथ में नाबार्ड के कुछ व्यक्ति आए, बोले यार सनोज जी आप अपना एक काम कर लो। मैं बोला बताइए आप क्या कर रहे हैं। बोले गवर्नमेंट जो है उद्योग लगाने के लिए वो दे रही है ऋण। तो मैंने सोचा कि यार चल अगर उद्योग लगाने के ऋण दे रही है तो ये लोग मेरे पास में आए हुए थे, मैंने विधायक जी से राय के लिए, मैं बोला विधायक जी आप अगर चाहो तो मैं वो जमीन बिक रही है अपन ले लेते हैं इसे। मैंने उनसे पहले ये बोला था कि आधी जमीन आप ले लो, आधी जमीन मैं ले लूंगा, चाहे आप कुछ भी उसमें लगा लेना। तो उन्होंने कही बोले ठीक है चलो ले लो परमिशन की वो फाइल निकल गई। परमिशन की फाइल निकलने के बाद में जब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स करे, जैसे वो 116 वाला वाद दिखा रहे थे, तो उसमें पहले हमारी यहाँ से फाइल जब निकल चुकी वो अरुण कुमार एसडीएम पे, विधायक जी ने पूरा प्रेशर करा और उससे जो है फिर उस पर स्टे लगवाया। जब स्टे होता है तो उसकी जो है जानकारी दोनों पक्षों को दी जाती है, क्योंकि इन्होंने महेंद्र सिंह ने उस पर कैविड लगा रखी थी, यानी कैविड के कागज मेरे पास हैं। तो इसमें क्या होगा, उसके बाद में परमिशन ली गई डीएम ऑफिस से, एसपी एडीएम ऑफिस से, और वहां से जो है डीएम साहब की परमिशन के उस पर जो है फिर बैनामा लिखा गया। बैनामा लिखवाने के बाद परमिशन कैंसिलेशन डाली गई। परमिशन कैंसिलेशन डाले जाने के बाद में जब हम सही हैं, ताऊ हमारे साथ में, सारे चीज़ सब सही थे, इनके बेटे भी सब सही थे, ये सामने खड़े, अगर मेरी कहीं कमी हो तो अभी इनसे पूछ ले, अगर ये चाहते हो अपनी ज़मीन को वापस लेना तो मैं इन्हें इनकी ज़मीन वापस कर दूंगा। वहां से परमिशन कैंसिलेशन नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपील डाली वहां पर कमिश्नरी में भी कोई अपील कैंसिल नहीं हो, क्योंकि जब व्यक्ति सही है और उनकी ज़मीन का वो सारा सही है तो वो परमिशन को कैंसिलेशन कैसे करवा देंगे। ये माननीय विधायक जी ने करवाया, और उसके बाद उसके सिविल कोर्ट में जो है इसका मुकदमा दायर किया गया। सिविल कोर्ट में दायर मुकदमा किया, सारे कागज उन्होंने सबमिट करे, सारे कागज हमने सबमिट करे। जब हमारे कागज सब थे, ताऊ के बयान वहाँ लगे, तो कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया और बोला कि इनकी ज़मीन पर जो है काबिज किया जाए। फिर मैं माननीय जिलाधिकारी के जी के वहाँ पर पहुँचा, फिर एसपी साहब के यहाँ भी गए और सीओ साहब के यहाँ भी गए, एसडीएम साहब के यहाँ भी आए कि हमने कहा कि हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर कब्जा करा दीजिए, क्योंकि वो वहाँ पर औरतें और सब लोगों को बैठा कर रखते हैं, वो लड़ाई करने के मूड में, हम लड़ाई करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि हम तो शांति प्रिय व्यक्ति हैं और शांति प्रिय व्यक्ति से ही रहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जो है उस पर भी, जब भी हम जिनके पास में भी गए, बोले समाधान दिवस में भी, पिछले शनिवार को समाधान दिवस में गए थे, उन्हें भी बुलाया गया, इन्हें ताऊ को बुलाया गया, तो उन लोगों ने सीधा सीधा नकार दिया कि हम जमीन नहीं देंगे सुई के नोक के बराबर भी, जबकि जमीन हमारे नाम है, आधे के हिस्सेदार हम हैं। पहले ताऊ थे महेंद्र सिंह के, मैंने इनसे जमीन ली, और आज मैं सनोज और अनुज के नाम आदि 16 बीघे जमीन हमारे नाम है, 1/2/33 वाले उसमें हिस्से में हमारे नाम है, उसमें ये हुआ। फिर एक बाद इन्होंने दायर करा हसनपुर दायर करने के बाद इन्होंने स्टे लेना चाहा और कैंसिलेशन के लिए डाला, लेकिन उसमें क्या था, स्टे लेने के लिए जब वहाँ माननीय जज साहब ने सारी उसमें जो कागज लगाए गए, एले कमीशन वगैरह और वो सब करा, तो जब इन्होंने रिक्वेस्ट डाली तो उसका भी कागज मेरे पास है, वो भी उन्होंने जज साहब ने खारिज कर दिया। तो अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, तो मुझे किस लिए भूमाफिया घोषित किया जाता है? अगर 6 साल में माननीय विधायक जी के साथ में ना रहा हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा क्षेत्र, पूरा अमरोही का जितना भी लोग जानते हैं कि अगर मैं किसी के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं तू तो विधायक का राइट हैंड था, अगर उसमें कहूँ तो वो दूसरे तरीके से भी बात बोलते कि तू तो विधायक जी का वो था, अब क्या हुआ तेरे साथ में, क्या क्या? मैं बोला जी क्या, मैं जाट हूँ, बस मेरी एक कमी यह है कि मैं जाट हूँ। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, माननीय विधायक जी ने कितने इस क्षेत्र में कितनी एससी एक्ट लगवाई है, ये भी पता चल जाएगा। पूरे हो सके यूपी में इतनी एससी एक्ट न लगी हो जितनी इस धनोरा विधानसभा में लगी हो। लेकिन अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दी जाए, लेकिन अगर सही हैं तो हम मीडिया के माध्यम से ये कह जाते हैं कि माननीय विधायक जी भी बैठे और पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे और किसान यूनियन के जितने भी लोग हैं ये बैठ के हमारी बात का जो है समाधान किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि किसान यूनियन राजनीतिक हमेशा उस पक्ष के साथ खड़ी हुई है पहले से ही, जहाँ दुख दर्द होता है। एक हमारे पीड़ित भाई थे सनोज चौधरी, जैसा कि आपने पता है, एक पीसी आपने कल विधायक जी के यहाँ भी की थी, उन्होंने एक जमीन खरीद ली थी
और ज़मीन का मामला ये था कि उन्होंने सारे पेमेंट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उनके पास हैं और छः साल से सनोज भाई जो सत्ता के मौजूदा विधायक हैं उनके साथ चल रहे थे और उनके साथ रह रहे थे। जो भी उनका काम या आपस में लेन देन या उठा बैठ जो भी थी, एक संपर्क होते हैं परिवार के, इनके परिवार जैसे संबंध भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं उस ज़मीन के विवाद को लेकर थोड़े में विधायक जी में भी और हमारे सनोज जी में भी कुछ मतभेद से हो गए। तो छः दिन के अंदर अंदर ऐसे पता नहीं क्या विधायक जी को लगा कि जो उन्होंने सनोज जी को भूमा पे घोषित कर दिया। उन्होंने कल कहा कि हाँ भाई ये तो भूमा पे लोग हैं, मैं इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊंगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी, विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री से उनकी भी जाँच कराओ, लेकिन जांच क्षेत्र में और भी बहुत सारी हैं, उन्हें भी तो करा लो। आप बड़े अच्छे पत्रकार बंधु हैं और सब, आप हमारे साथ चल के देख लो हमारे खेत की फसल की क्या हालत हुई है। पशुओं ने हमारे किसान भाई मारने शुरू कर दिए। माननीय विधायक जी आप ये बताइए, देहराचक में किसान खत्म हो गया पशुओं के मारने से, आपने कितनी बार उनसे जाके मिलने की कोशिश की और क्या उन्हें आग्रह किया कि हाँ अभी मेरे किसान मर रहे हैं पशुओं के मारने से, कितना आपकी स्टेटमेंट आए? किसी के दुख सुख में आप शामिल होते हो? आपका किसी किसान से कोई लेने देना मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा। आप कहते हैं मैंने बिजली घर लगवाए, इस सरकार में तो कोई बिजली घर जिले आपकी विधानसभा में लगा ही नहीं, बिजली घर नहीं लगा। कहीं लगाओ तो हमें दिखा दो, चलो हम भी मान जाएंगे। अरे हम भी 10-12 साल से किसानों की सेवा कर रहे हैं, हर पीड़ित किसान के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आपके कहने से कोई भूमाफिया नहीं हो जाएगा? कोई किसान राजनीति जो हम कर रहे हैं, कोई हम खराब लोग नहीं हो जाएंगे? लेकिन आपके साथ के रहने वाले लोग भी अगर पीड़ित हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहेंगे बिल्कुल। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था आपको? हाँ, अभी जैसे आपके सामने डीएम साहब से वार्ता हो रही थी, डीएम साहब ने पूरे डॉक्यूमेंट देखे हैं, एक भी कागज खराब नहीं निकला, सब ओरिजिनल कागज है, सही बिल्कुल सत्यता पाई गई है। क्या सत्यता की जीत नहीं होगी? डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी पीड़ित पक्ष की पूरी मदद की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर प्रशासन शासन अगर आपकी मदद नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए पत्रकार बंधु, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 500 ट्रैक्टर आपके सामने ग्राउंड में खड़े हैं और 5000 किसान भी वहीं खड़े हैं, जहां मर्जी लेकर वहां भर देंगे, चाहे कलेक्ट्रेट पे जाना पड़े, चाहे विधायक जी के घर जाना पड़े। हमारे विधायक है, कोई विदेश के तो है नहीं, जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उन्हें हमारे घर में आने में दिक्कत हो रही, हमें उनके घर जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम अपने सवाल उनसे रख सकते हैं। नमस्कार करता हूँ, मेरा नाम कौशल किशोर, पिताजी महेंद्र सिंह जिन्होंने ये जमीन बेची है, और हमारे परिवार के सभी सदस्यों से की रजामंदी से जमीन बिकी है, और सनोज कुमार और अनुज कुमार को बेची है, पूरा पैसा लिया है। और जिस दिन से भी अनुज और सनुज दोनों भाइयों से संबंध बने हैं, हमने देखा है कि उनमें जाटगर्दी नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर ये कैसे भूमाफिया हुए? और पूरी कीमत आज भी हमारे अकाउंट में आप देख लीजिए, गवर्नमेंट रेट पर ली है। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, जो भी मेरी बात को सुनने हैं, कि जब पैसा हमने पूरा लिया है, इन्होंने पूरा दिया है, तो इनके नाम की जमीन इन्हें मिलनी चाहिए। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है जब जाते हैं? हमारे बेचने के बाद में हम उधर कभी निकलते हैं तारीखों पर, धनोरा भी आए हैं तो हमने देखा है वहाँ लेडीज बैठी रहती हैं, और एक दो ने हमने बताया है कि अगर ये जाट लेने वाले वहाँ जाएंगे तो इन पर एससी एक्ट का मुकदमा लगाएंगे, रेप के केस लगाएंगे, इस करके ये डरी है, खेत पर जाते नहीं हैं। शासन प्रशासन से मैं भी यही मांग करता हूँ कि न्याय संगत तरीके से इनकी जमीन इन्हें दिलाई जाए। सलेमपुर गोसाई का प्रकरण हमारे पास अभी आज किसान यूनियन के लोग भी आए थे, तो उसमें उन्होंने पेपर दिखा रहे थे कि साहब वो बैनामा जिसने किया है, वो भी आदमी आया था कि हमने साहब ज़मीन बेच दिया है, वो कब्जा उनको नहीं दे रहे हैं। तो इसमें मैंने सी और एसडीएम साहब को बता दिया है कि दूसरे पक्ष को बुला करके बैठा करके उनको बता दें, जब न्यायालय का आदेश हो चुका है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है और अपना हिस्सा अगर उसने दिया है तो उसमें कब्जा उसको देना चाहिए।